नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज संगम नगरी पहुंचे बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी के किए दर्शन, गाया गाना। संगम के किनारे मनोज तिवारी पहुंचे और बड़े हनुमान जी के दरबार की सुंदर सी महिमा और पुराने स्मृतियों को दोबारा किया ताजा। प्रतिदिन योग करने वाले मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी आनंद गिरी से मिलकर उनका आभार जताते हुए कहा, योग आनंद गिरी जी महाराज से सीखा है और उनका अनुसरण भी करते हैं। आज देश के विशिष्ट लोगों में गिने जाने वाले मनोज तिवारी जी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके संतों से मिलते हैं और स्वस्थ रहने के लिए योग भी करते हैं। 30 दिसंबर को आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, उसके लिए बजरंग बली का आशीर्वाद मांगा और पुनः माघ मेले में आने का वादा करके लौटे राजधानी दिल्ली। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, ओम नमो नारायण। महापुरुषों के दर्शन होते हैं और महापुरुषों के साथ अच्छी अच्छी चर्चाएं होती है और आज हमारे साथ में एक दिव्य महापुरुष हैं और हमारे बहुत अनन्य हैं, संतों के बहुत लाडले हैं और जनप्रिय हैं और हमारे इस उत्तर प्रदेश और बिहार की मिट्टी की तो शान है आप कि देश और दुनिया में जिनके नाम के डाक टिकट जारी हुए हो और जिन्होंने गांव से लेकर के दुनिया के बड़े पटल तक सफर तय किया हो, ऐसी महान हस्ती हमारे बहुत प्रिय आदरणीय माननीय श्री मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार। संतों के बहुत प्रिय हैं आप और अक्सर संतों के मंचों पर आपको मौलिक स्वरूप में हम देखते हैं, लेकिन अचानक परिवर्तन राजनीति में आपका आना हुआ और आपकी माँ का आशीर्वाद आपका भजनों के लिए भी था और राजनीति के लिए भी है, तो आज के परिवेश में जो बदलता हुआ देश है उसमें कैसे देखते हैं भविष्य को युवा पीढ़ी के लिए? चूंकि इस समय देश की बागडोर एक संत के हाथ में है, बिल्कुल, वो जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो वो अपने आप में ही एक योग से खड़े हुए और आज भी उनके लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और भारतीय जन जन का विकास, तो उस हिसाब से अगर हम कल या आज संत चरण में या किसी सांस्कृतिक कार्यों में अगर हमारा मन रमा है तो यहां भी उसी हिसाब से देश आगे चल रहा है। मैं आदरणीय आनंद गिरी जी महाराज जी आपको तो आप तो स्वयं आपसे मैं योग सीखते रहता हूं, तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि जो सही मामले में आपके वेदों पुराणों उपनिषदों के अनुसार जो देश की गति का संतों ने अनुमान लगाया उस पर चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भैया। अब आने वाले समय में कुंभ आ रहा है, क्योंकि हम आध्यात्मिक की ज्यादा बात करेंगे ज्यादा मजा आएगा हमको। आपने हर कुंभ में लगभग लगभग खूब आनंद लिया है, इस बार राजनीतिक दृष्टिकोण से चूंकि बंगाल में चुनाव भी आ रहा है और इधर कुंभ भी आ रहा है, तो कुंभ में भी प्रॉपर समय आप देंगे ना इधर महात्माओं को भी? नहीं, पूरा समय देंगे हम, पूरा समय मेरा जाने वाला है। मैं पिछले 5-6 दिनों में भी हरिद्वार होके आज चित्रकूट होके आया कैलाशानंद जी महाराज और आज मैं संगम तट पे बैठा हूँ आपके साथ लेटे हुए हनुमान जी के दरबार में, तो मेरा पूरा समय जाएगा, मैं जरा भी उसमें कमी नहीं करने वाला, बल्कि और बढ़ाऊंगा। मनोज तिवारी, गांव से शहर और शहर से दुनिया तक पहुंचने का जो सफर है, उस सफर के स्ट्रगल में क्या क्या ऐसी चीजें आपने देखी जो कम शब्दों में ये बता सके कि आने वाली युवा पीढ़ी को न देखनी पड़े, तो क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए और कैसे वो अपना भविष्य संभाल सके? देखिए, मैं समझता हूं सबसे बड़ा और एक लाइन का मंत्र है, प्रयास करना है, चुनौतियों पे विजय हासिल करने की कोशिश करना है और उसके लिए दो शर्त है, विनम्र और ईमानदार रहिए। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, ईमानदार और विनम्र दोनों एक युवा के लिए खास करके बहुत आवश्यक है जब वो सफल, बहुत आवश्यक है। आपको कोशिश करना है, भाग्य भाग्य भी बहुत प्रबल होता है, उसको मानने मानने न मानने स्वतंत्र हैं, लेकिन विनम्रता और ईमानदारी अगर दोनों साथ रही और कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा और जो होगा वही अच्छा है। कितनी बड़ी बात है, गांव से निकल करके आपने हॉलीवुड को अपनी एक नई पहचान दी है,
भोजपुरी समाज को बड़ी पहचान दी है। आपके भजन आज भी लोगों के मुंह पे रटे हुए हैं, आपके गाने रटे हुए हैं। पाकिस्तान को जैसे सबक सिखाने वाले गाने हो, चाहे माता मैहर वाली देवी का भजन हो, चाहे माँ शारदा का, माँ विंध्यवासिनी के भजन हो, ये बड़े प्रसिद्ध भजन रहे हैं। अब क्या इस राजनीतिक दृष्टिकोण में आप उन भजनों को मिस करते हैं या समय समय पर निकालते हैं, एक समय के भजन भी करें आप? नहीं, मैं गा रहा हूँ, लगातार भजन गाते रहता हूँ। इधर कोई नया कुछ गाया हो तो? अभी अभी गाया मैंने कि जाने न जाने तेरे दर ही ठिकाने, दुनिया ये तो जानती है हम माँ के दीवाने। क्या बात है मनोज भाई की, ये इसीलिए इनको एक नाम और मिला है, उसको कहते हैं मृदुल। मनोज तिवारी जी को मृदुल के रूप में जाना जाता है और भगवती के बड़े अनन्य भक्त हैं, और यही कारण है कि आपके घर में अभी अभी भगवती ने पदार्पण किया है, कन्या जी मुझे बेटी प्राप्त हुई है। इसके आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया में बैठे लोगों को एक संदेश मनोज तिवारी जी की ओर से। देखिए, मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, सकारात्मक रहना है, बेटियों का सम्मान करना है, और अपने जीवन से कुछ समय निकालकर देश के लिए देना ही देना है। आप जिस कार्य में भी लगे हो, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि रखें। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके हिसाब से ही अपने जीवन को योजना बनाएं, प्लान करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, ये छोटी सी मुलाकात आदरणीय मनोज तिवारी जी के साथ अक्सर होती है, और आज बहुत दिनों बाद पुनः आज प्रयाग आगमन हुआ तो अनायास मुझे लगा कि मैं अकेले क्यों चर्चा करूं, आप लोगों तक भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस मृदुल की आवाज को सुनकर के आनंदित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।